का कॉलर नेक कुर्ती कटिंग का वीडियो बना है बहुत सारे अपडेट्स के साथ, चार्ट के साथ और फॉर्मूलाज के साथ, ताकि आप हर साइज के लिए परफेक्ट तरीके से कॉलर नेक बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस साइज की हम कुर्ती बनाने जा रहे हैं उसके नाप मैंने एक साइड में लिख दिए हैं, लेकिन जो मेथड मैंने बताया है उससे आप किसी भी साइज का कॉलर नेक कुर्ती कटिंग कर सकते हो। तो कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, ये 2.25 मीटर कपड़ा है और ये इसकी चौड़ाई है 42 इंचेस। अब मैंने पहले इसको लंबाई में फोल्ड किया था, अब मैं इसे चौड़ाई में यानी पन्ने की साइड से फोल्ड करूंगी। अब ये फोल्ड देखो इस तरह से रहेगा, इस साइड से ये बंद रहेगा, इस साइड में ये पूरा फोल्ड रहेगा। फोल्ड कितना किया है देखो, मेरा हिप साइज 42 इंचेस है, उसका चौथा भाग होता है 10.5 इंच, उसमें हमें 2 इंच मिलाना है, तो 12.5 इंच पर मैंने फोल्ड किया है, मतलब हिप का चौथा प्लस 2 इंच। अब ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे मैं कट कर दूंगी। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे, ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख देती हूं। अब ये जो कपड़ा है इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों निकलेगा, तो दोनों का एक साथ हम कटिंग करेंगे। तो फोल्ड आप देख सकते हो मैंने किस तरह से किया है, और ये नीचे की तरफ इस तरह से रहेगा। कॉलर नेक में सबसे जरूरी होता है शोल्डर स्लोप, तो शोल्डर स्लोप मैं 2 इंच पर डाल रही हूँ। आपके साइज में कितना होगा तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि अगर आपका चेस्ट साइज 28 से 34 इंच तक है तो आप 1.25 इंच लीजिएगा, अगर आपका चेस्ट साइज 36 से 42 इंच तक है तो आप 2 इंच लीजिएगा, और अगर आपका चेस्ट साइज 44 इंच से 50 इंच तक है तो आप 2.25 इंच रखिएगा। तो मेरे बताए गए मेजरमेंट्स के अनुसार अगर आप शोल्डर स्लोप का नाप डालते हो तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, खासकर कॉलर पीछे जाना या फिर कॉलर गोलाई में ना बैठना, फ्रंट में झोलाना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके नहीं होंगे। अब जहां पर हमने शोल्डर स्लोप की लाइन बनाई है वहां पर टेप को रखना है और सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। जैसे कि पहला नाप आता है आर्म होल का, तो मैंने तो डाला है 7.5 इंच पर, क्योंकि मेरा चेस्ट साइज है 36। तो आपके लिए भी आपके साइज के अनुसार कितना आर्म होल लेना है यहाँ पर मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है, बस आप अपना चेस्ट साइज देखिएगा और उसके आगे देखिएगा कि आपको आर्म होल कितना लेना है। जैसे मैंने लिया है 36 साइज के लिए 7.5 इंच, तो ये चार्ट मैंने चेस्ट साइज के अनुसार बताया है, ना कि फुल बस्ट के अनुसार। तो प्लीज अगर आपको फुल बस्ट और चेस्ट में डिफरेंस नहीं मालूम तो आप हमारे नॉर्मल कुर्ती कटिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने पूरे मेजरमेंट्स के साथ समझाया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब कमर की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कमर की लंबाई 14 इंच या 15 इंच रख सकते हो, मैंने 15 इंच रखा है क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद स्लिट लेंथ, यानी कि स्लिट आपके कहाँ से शुरू होते हैं, कई लोगों को 21 इंच पर पसंद है, कई को 22 इंच पर, तो मैंने 22 इंच डाला। अब यहाँ पर जितना भी हमारा आर्म होल है उसका आधा करना है और वहां पर एक मार्क करना है, इसे हम सेंटर बैक कहेंगे, ठीक। अब ये सेंटर बैक का क्या महत्व है ये भी मैं आपको बताऊंगी, पहले ये जो सारे पॉइंट्स है हमारे इनके हम लाइंस बना कर लेंगे। अब लंबाई का नाप डालना मैं बताऊंगी, तो जहां पर शोल्डर स्लोप की लाइन है वही पर टेप को रखना है और फिर नीचे की तरफ देखिएगा, जितनी भी लंबाई है उसमें 2 इंच मार्जिन लेना है और फिर नाप डालना है। आपका यहाँ पर आ रहा है तो ऊपर की तरफ मार्क कीजिएगा, मेरा जितना कपड़ा है उतना पूरा बैठ रहा है 47 इंचेस, तो मैं उतना रखूंगी। अब नीचे का एक्स्ट्रा का कपड़ा फोल्ड करके रखा है, ये शोल्डर स्लोप लाइन है, सेंटर बैक लाइन, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन, और नीचे का कपड़ा फोल्ड करके रखा है। अब यहां पर फोकस करेंगे, ये शोल्डर स्लोप लाइन यहां से शुरू होते तो यहां पर टेप को रखा और यहां तक हमारा आर्म होल है उसका आधा किया था हमने, और यहां पर ये सेंटर बैक लाइन हमने ड्रॉ की थी। अब यहां पर हमें शोल्डर का नाप डालना है, ठीक, तो शोल्डर कैसे नापना है देखो, ये यहां से यहां तक हमें शोल्डर नापना है। अब जब भी आप किसी का नाप ले रहे हो और ये शोल्डर्स उतरे हुए हैं तो आपको ऊपर उठा के रखने हैं जहां पर आपको सही लगता है, अगर बहुत ऊपर चढ़े हुए हैं तो उसको फिर से सही जगह पर रखना है और फिर नापना है। तो देखिए यहां से अच्छे से टेप को लेते हुए हम यहां तक नापेंगे, तो मेरा आ रहा है 15 इंच, ठीक, तो 15 का आधा करना है बराबर से और 7.5 इंच पर मैंने यहां पर मार्किंग किया है, तो सेंटर बैक हमारा आ गया 7.5 इंच। अब वहां से सीधी लाइन बनानी है।
यहाँ पर गोलाई बाद में देंगे, पहले ये नीचे के नाप डालेंगे। पहला नाप आता है चेस्ट का। चेस्ट है मेरे 36 इंच, चौथा भाग हुआ 9 इंच, पौना इंच का लूजिंग देके मार्क किया है। आपका जितना भी चेस्ट साइज है चौथा भाग करके पौना इंच का लूजिंग डालें। अब यहाँ पर कमर, कमर है मेरी 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, आधा इंच का लूजिंग, 1 इंच का डार्ट, तो 9.5 इंच पर मेरा मार्क आएगा। तो आप भी अपने वेस्ट साइज के अनुसार मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पर हिप साइज, जितना भी हिप साइज है उसका चौथा भाग करें। तो मेरा 42 इंचेस है, चौथा भाग हुआ 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पर मैंने मार्क किया है, उसमें लूजिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। बाहर की तरफ 1 इंच या 1.5 इंच मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने कमर में डार्ट लिया है, इसलिए फुल बस्ट का मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डार्ट नहीं लिया है तो फुल बस्ट का मार्क जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 32 कमर है, आठवां भाग है 4 इंच, तो 4 इंच पर मैंने मार्क किया। और यहाँ पर मैं डार्ट का मार्किंग कर रही हूँ, तो ऊपर की तरफ मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और नीचे की तरफ 3.5 इंच। आप सभी साइजेस में इस तरह से ले सकते हो। तो ये 7 इंच टोटल मेरी डार्ट की लंबाई होगी। आप चाहो तो नीचे की तरफ 1/2 इंच और बढ़ा सकते हो, मतलब 8 इंच तक जा सकते हो। तो ये 7 इंच हुआ और इसकी चौड़ाई मैं रखूंगी 1/2 इंच दोनों साइड में, मतलब 1 इंच। आपने अगर डार्ट नहीं लिया है वेस्ट में तो आपको फुल बस्ट का मार्किंग कर देना है। अब यहाँ पर गोलाई देने हैं, लेकिन उसके पहले शोल्डर का मार्किंग करना है। अब ये तो सेंटर बैक की लाइन है, ठीक है, तो सेंटर बैक की लाइन के आगे 1/2 इंच जाना है सभी साइजेस में। तो 7.5 इंच हमने सेंटर बैक लिया था, उसके आगे हम 1/2 इंच गए हैं, मतलब शोल्डर हुआ हमारा 8 इंच। अब ये दो पॉइंट्स पकड़ेंगे और आर्म होल कर्व की मदद से यहाँ पर शेप देंगे इस तरीके से। अब ऊपर के दो पॉइंट्स पकड़ेंगे और इस तरह से इसे रखेंगे, आर्म होल कर्व का 1/2 हिस्सा ऊपर की तरफ इस तरह से रखकर शेप देंगे। कॉलर नेक में गले की चौड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा भी अगर कम ज्यादा लेते हैं तो कॉलर बिल्कुल भी फिट नहीं आती। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, जिससे आप सभी साइजेस के लिए परफेक्ट नेक विड्थ यानी गले की चौड़ाई निकाल सको। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर आपका चेस्ट साइज 28 से 38 इंच तक है तो आपको बस आपके चेस्ट साइज का 12वां भाग करना है, जैसे कि फोन में भी हम कर सकते हैं हमारे। तो यहाँ पर ये 38 का मैंने 12वां भाग किया तो कितना आया, 3.1। बस पॉइंट के आगे एक ही नंबर ध्यान रखना है, 3.1 मतलब 3.25 इंच से भी एक लाइन कम। अगर आपका चेस्ट साइज 40 इंच से 42 इंच तक है तो उसका 12वां भाग करें और उसमें से 1/4 इंच कम करें। जैसे कि देखो 42 इंचेस यानी 42 इंच का 12वां भाग किया और उसमें से 1/4 इंच कम किया तो कितना आया, 3.25 इंच। मतलब कि 42 इंचेस चेस्ट साइज के लिए गले की चौड़ाई आएगी 3.25 इंच। अब आगे बढ़ते हैं, 44 से 50 इंचेस तक चेस्ट का 12वां हिस्सा करना है और उसमें से 1/2 इंच कम करना है। जैसे कि मैंने 48 का यहाँ पर बताया है, उसे भागना है हमें 12 से और उसमें से 1/2 इंच कम करना है यानी माइनस करना है, तो टोटल आया 3.5 इंच। तो 48 के लिए नेक विड्थ होगी 3.5 इंच। तो इसी प्रकार आपको अपने साइज के हिसाब से निकालना है। यहाँ पर 36 साइज के लिए फॉर्मूला है चेस्ट का सिर्फ 12वां हिस्सा, तो आ गया 3 इंच। अब यहाँ पर हम पीछे के गले के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो पीछे का गला डीप लेंगे 1 इंच। तो ये सभी साइजेस में आप 1 इंच रखो, बस आपका चेस्ट साइज अगर 48-50 है तो आप 1/4 इंच रख सकते हो। यहाँ पर बॉक्स बना के गोलाई देनी है और गोलाई देने के बाद यहाँ पर नेक लाइन शोल्डर लाइन को जोड़ देनी है, शोल्डर स्लोप लाइन को। तो ये देखिए मैंने जोड़ दी। अब ये पूरा बैक का हो गया, अब हम फ्रंट के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट का हमें बस गला और आर्म होल करना है। आर्म होल के लिए हम यहां से, मतलब इस शोल्डर स्लोप लाइन से 1 इंच नीचे लेंगे, क्योंकि आगे का जो आर्म होल है वो 1 इंच कम रहेगा। और यहां से सभी साइजेस के लिए 1.25 इंचेस, मतलब 1/4 इंच हम डाउन लेंगे, ठीक है। तो आर्म होल के साइड में 1 इंच लेना है और गले की साइड से 1/4 इंच नीचे लेना है और इस लाइन को जोड़ना है। अब उसके बाद बैक का जो शोल्डर है, शोल्डर की चौड़ाई उतनी ही यहां पर भी रखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये नापेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नापना है, जितना भी है उतना हमें सेम फ्रंट के लिए रखना है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है, तो वहां पर आपको मार्किंग करना है, ठीक। तो ये यहां पर आ गया, अब ये दोनों सेम हो गए, ठीक है।
अब गले की चौड़ाई की ओर नहीं देखना है हमें कितनी आ गई क्या आ गई, बस आपको इस तरह से करना है और ये लाइन आगे की तरफ ड्रॉ कीजिएगा। अब यहां से हम आगे के लिए गला लेंगे, तो पीछे की गले की चौड़ाई जितनी रखी है उतनी ही हमें आगे की गले की लंबाई रखनी है, तो हमारी 3 इंच आई थी, तो यहां पर मैंने 3 इंच इस तरह से मार्किंग कर दिया और बॉक्स बना दिया। अब यहां पर हम आगे की गले के लिए शेप देंगे, तो ये फ्रेंच कर्व की मदद से मैं शेप दे रही हूं, आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हो। तो देखिए बैक का गला यहां से और यहां से कटेगा और फ्रंट का गला यहां से और यहां से कटेगा, बस इतना है। अब आगे के गले के आमहोल का शेप देंगे, तो हम क्या करेंगे यहां पर नीचे से ऊपर यहां पर 2 इंच ऊपर लेंगे, सभी साइजेस के लिए आप ले सकते हो, इसे हम सेंटर फ्रंट कहेंगे, ये बस आर्म होल के मार्किंग के लिए मैंने ड्रॉ किया है। और यहां से हम 0.75 इंच यानी 3/4 इंच अंदर की तरफ लेंगे, मतलब 1 इंच को 2 लाइन कम, सभी साइजेस में आपको यही रखना है। अब यहां पर भी इस तरह से इसको 2 पॉइंट्स पकड़ के रखना है और शेप ड्रॉ करना है, इन 2 पॉइंट्स को पकड़ना है और शेप देना है। तो यहां पर फ्रंट और बैक दोनों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने मार्किंग कर दिए हैं, ठीक है, इससे आपके फ्रंट में बिल्कुल भी सलवटें नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से मार्क करते हो। तो फ्रंट और बैक दोनों हो चुके हैं। अब हम इसका नीचे का हिस्सा मतलब लंबाई का हिस्सा है वहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मैंने इसे खोलकर हिप लाइन से नीचे की तरफ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ की है, आप चाहो तो तिरछे तक जोड़ सकते हो, और नीचे की तरफ जो फोल्ड है वो मैं कटिंग करूंगी। और अब हम इसका पूरा कुर्ती का कटिंग करेंगे क्योंकि पूरा मार्किंग तो हो चुका है। यहां पर फ्रंट और बैक दोनों का हमने एक साथ मार्किंग किया है और दोनों का कटिंग भी एक साथ होगा, तो पहले आर्म होल लाइन तक हम इसको कट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कहां से कटिंग करना है। तो सबसे पहले जो बैक आर्म होल का शेप है ये वाला बैक शोल्डर लाइन और बैक नेक लाइन, इस तरह से हम कटिंग करेंगे, ठीक है, तो पहले ये कटिंग करके लेती हूं। तो ये कटिंग हो चुका है, मतलब बैक पैटर्न पूरी तरीके से कटिंग हो गया है। अब फ्रंट का करना है, तो फ्रंट का करने से पहले बैक को हटा देंगे क्योंकि फ्रंट का जो शेप है वो अंदर की तरफ से है, तो ये हमारा बैक पैटर्न रहेगा, इसे मैं थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ रखूंगी इस तरह से, और फ्रंट को फिर से एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखेंगे और ये अंदर का जो शेप है वो हम कट कर लेंगे, ठीक। तो पहले आर्म होल, फिर शोल्डर लाइन और अब नेक लाइन, तो फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग हो चुका है। अब बस जो डार्ट का मार्किंग है वो फ्रंट और बैक दोनों के लिए सेम है, तो बस वो डार्ट का मार्किंग फ्रंट और बैक में हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो मार्किंग है इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ हल्का हल्का सा ये निशान बन गया है, बस मैं उसे डार्क कर देती हूं और यहां पर भी। अब इसको इस तरह से रखकर इस साइड में भी मैंने ड्रॉ कर दिया, तो बस इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर ये निशान बन गए हैं, अब दोनों को मैं साइड में रखूंगी। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे, तो बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने 4 फोल्ड में रख दिया है। लंबाई तैयार 16 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, कैप हाइट 4.5 इंच रखी है। हमारा आर्म होल राउंड जो है वो आया था 8.75 इंच मतलब 0.9 इंच, तो यहां पर मैंने 0.9 इंच इस तरह से तिरछे में रखकर मार्क किया और यहां से मैं फ्रंट और बैक दोनों का शेप दूंगी। स्लीव्स का कटिंग मैंने अपने साइज के अनुसार किया है, आपको अपने साइज के अनुसार स्लीव्स कटिंग करना है तो उसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाए हैं पूरा डिटेल के साथ, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक जरूरी बात, आपकी चाहे नॉर्मल कुर्ती हो, डीप नेक हो या कॉलर नेक हो, सभी में स्लीव्स कटिंग करने का एक ही मेथड रहता है। यहां पर कॉलर कुर्ती का पूरा कटिंग हो चुका है, इसमें मैंने आगे की तरफ प्लैकेट्स बनाए हैं और फिर कॉलर अटैच की है, जो कि इसका बहुत ही डिसेंट लुक दिख रहा है।
अगर आपको इसकी सिलाई देखनी है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में तुरंत उसका वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। जितना कटिंग इम्पोर्टेंट था उतना ही स्टिचिंग यानी सिलाई भी महत्वपूर्ण है। का सिलाई का वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर प्लैकेट लगाने का आसान तरीका, कॉलर लगाने का परफेक्ट तरीका, वो भी छोटे छोटे टिप्स के साथ मैंने बताया है, ताकि आप हर साइज के लिए परफेक्ट कॉलर बना सको। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।